What does she want to do? I am learning English. He has been sick for 3 days. We have tried a lot. ये चारों sentences present tense में है और आज हम सीखेंगे कि इन चारों को इन्हीं के corresponding past tense में कैसे बदलें. Hello friends, welcome to my new video once again. आप पूरा वीडियो देखें, आपके टेंस की समझ और ग्रामर की समझ बहुत बेहतर होने वाली. लेट्स स्टार्ट लर्निंग, शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डज शी वांट टू डू, वह क्या करना चाहती है. यह है सिंपल प्रेजेंट का WH क्वेश्चन. सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज जब हो तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अब इसका सिंपल पास्ट बदलना है तो सिंपली डू डज के जगह पर डिड का यूज करेंगे. कैसे? व्हाट डिड शी वांट टू डू, वह क्या करना चाहती है. व्हाट डज शी वांट टू डू, वह क्या करना चाहती थी. What did she want to do? बन गया. Second sentence. I am learning English. यह है present continuous tense. यानी present imperfect tense. Continuous और imperfect दोनों का एक ही अर्थ होता है. I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. Is RM के बाद verb का ing वाला form यानी V4. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगा. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी सीख रहा था. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस. थर्ड सेंटेंस है, ही हैज़ बीन सिक फॉर 3 डेज. वह 3 दिनों से बीमार है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, यहाँ पर केवल एडजेक्टिव है. ठीक. फिर पीरियड ऑफ टाइम और हैज़ बीन हैव बीन देखकर हम समझ गए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कैसे बनेगा? हैज़ बीन हैव बीन के बाद जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता तो लगता, यहाँ नहीं है, एडजेक्टिव है. इसका पास्ट में जाएंगे यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तब हैज बीन के जगह पर हैड बीन का यूज होगा. कैसे? ही हैड बीन सिक. फॉर 3 days. एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ सीक को हम सीकिंग नहीं बोल सकते. ठीक. या वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, एडजेक्टिव में आईएनजी नहीं जुड़ता. ही हैज बीन सिक फॉर 3 डेज. वह 3 दिनों से बीमार है. और ही हैड बीन सिक फॉर 3 डेज. वह 3 दिनों से बीमार था. तो हैज बीन और हैड बीन का फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. और वर्ब होता तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता. आगे है, वी हैव ट्राइड अ लॉट. यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. हमने बहुत कोशिश की, कोशिश किया है, या हम बहुत कोशिश कर चुके हैं. वी हैव ट्राइड अ लॉट. अब इसका पास्ट परफेक्ट बनेगा तो हैव के जगह पर केवल हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वो तो पहले से ही है. वी हैड ट्राइड अ लॉट.
We have tried a lot. हम बहुत कोशिश कर चुके हैं. We had tried a lot. हम बहुत कोशिश कर चुके थे. इस हिसाब से हमने सभी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलना सीखा. देखते रहिए और सीखते रहिए. फेसबुक पेज पर है तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.